सुबह सुबह चटपटा नाश्ता हर किसी को पसंद होता है, तो अगर आप आलू के शौकीन हैं तो इस वीडियो को देखिए। और स्वागत है आपका मोमसी किचन में। आज हम बनाएंगे नाश्ते में आलू की पूरी। अगर आप आलू का पराठा पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस तरीके से पूरी बनाकर खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये फूली फूली तैयार हुई है, तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इंग्रेडिएंट्स मैं पहले आपको दिखा देती हूँ जिससे कि आप तैयारी कर लें और आपकी पूरी फटाफट से बन जाए। आलू की पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा बारीक कटा धनिया, 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन कलियाँ, आधा चम्मच या 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद के हिसाब से, 8-10 काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा। इसके साथ साथ हमें और भी कुछ चाहिए, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। आलू की पूरी है तो हमें यहाँ पर उबले हुए 2 आलू चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और उसमें हम सबसे पहले जीरा डालेंगे। जीरे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब मैंने काली मिर्च और हरी मिर्च डाल दी है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लहसुन और साथ में हम डाल देंगे अब यहाँ पर अदरक। अदरक 1 इंच मैंने लिया है और उसे लंबाई में काट लिया है, तो इसे पहले हम एक बार पीस कर तैयार कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। आलू डालकर इसे भी साथ में हमें पीसना है, लेकिन अगर पीसने में कोई दिक्कत आ रही है, आलू के टुकड़े बड़े बड़े लग रहे हैं, तो आप ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं और इसे पीस सकते हैं, क्योंकि आलू का स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है पूरी के लिए, तभी आपकी फूली फूली पूरी तैयार होगी। तो ये देखिए आलू मसाले सब पीस कर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले चलिए एक बाउल में इसे हम शिफ्ट कर देते हैं। अब हम इसमें और मसाले डालेंगे जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं। तो आलू सारा इसमें आप शिफ्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए आलू की, अगर आपको नज़र आए तो आप उसे निकाल दीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स से पूरी देखने में बहुत अच्छी लगती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। नमक स्वाद के हिसाब से अब आप इसमें मिला दें। और धनिया की क्वांटिटी भी आपने यहाँ पर ज़्यादा रखनी है, क्योंकि इस पूरी में जब धनिया और चिली फ्लेक्स नज़र आते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में ये पूरी। तो अब इन चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे और जो भी आलू मुझे इसमें दिखेगा मैं उसे निकाल दूंगी। बैटर को स्मूथ ही रखना है हमें, और जिससे कि आटा गूंदने पर वो भी स्मूथ हो। इसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया है, लेकिन पूरा नहीं डालना, पहले आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ आलू के साथ आटे को गूंदना है। यहाँ पर आपने पूरी के लिए जैसे हम आटा थोड़ा सा सख्त लगाते हैं उस तरीके का लगाना है। तो पहले आप सारे आटे को आलू में इस तरीके से मिला लीजिए, उसके बाद हम इसे गूंथ लेंगे आटे की तरह। तो अब ये देखिए बहुत थोड़ा सा ढीला लग रहा है, तो बाकी बचा आटा इसमें डालकर हम उसे भी गूंथ लेंगे। बाकी आटा डालने के बाद अब मैं इसमें गूंथ लूँगी, तो ये बहुत ही सख्त पूरी वाला आटा बनकर तैयार हो जाएगा। इस आटे से आपने तुरंत पूरियाँ नहीं बनानी, इसे थोड़ी देर के लिए रखना है। तो आटा गूंथने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ा सा घी, और घी डालने के बाद इसे फिर थोड़ा सा गूंथ लेंगे और उसके बाद हम इसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे। आटा आलू सब अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसकी पूरियां तैयार करेंगे। इस तरह से घी डालने के बाद जब आप आटे को गूंथते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और अंदर तक बहुत ही चिकना हो जाता है। तो 2 मिनट तक इसे गूंथने के बाद अब हमें इस पर ऊपर थोड़ा सा घी और लगाना है और इसे 15 मिनट का रेस्ट देना है। उसके बाद हम फिर आटे को 2 मिनट के लिए गूंथेंगे, जिससे कि हम जब पूरी बनाएं तो वो फटे ना और फूली फूली तैयार हो। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम आटे को खोल देते हैं और चलते हैं इसकी पूरियां बनाते हैं। आटा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया है, बहुत ज़्यादा स्मूथ और चिकना हो गया है। तो बस अब मैं इसे एक बार और सेट कर रही हूँ और उसके बाद अब इसकी पूरियां बनानी शुरू करेंगे। पूरियां बनाने के लिए हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल अब नहीं करना। तो सबसे पहले एक नींबू के आकार की आपको लोई लेनी है और उसे बेलना है। बेलने के लिए यहाँ पर हम आटे का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमें लगे ये चिपक रही है तो थोड़ा थोड़ा सा आटा लगाकर इसे बेलना है। नींबू के आकार की लोई लेंगे तो पूरी बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की आपकी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा आटा लगाकर इसे बेल रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना तो ये पतली हो ना बहुत ज़्यादा मोटी, बस जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं उसी तरीके से बनेंगी, क्योंकि आलू हमने इसमें बहुत मैश करके डाले थे, इसलिए पूरियों के साइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से पहले आप सारी पूरियां बनाकर तैयार कर लीजिए, जिससे कि हम इसे फटाफट से तल सकें। तो अब मैं सारी पूरियां पहले यहां पर बनाकर तैयार कर ले रही हूं। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल गरम करेंगे।
इन पूड़ियों को मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, जिससे कि ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगी। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म ना रखें, गर्म हो जाने के बाद हल्का सा स्लो कर दें और ये मीडियम तापमान पर इसे तलना है। हल्का हल्का सा आप इसे इस तरीके से दबाएंगे या इसके ऊपर गर्म गर्म घी डालेंगे तो पूरी थोड़ी देर में अपने आप फूलनी स्टार्ट हो जाएगी और पूरी तरीके से फूल जाएगी। ये देखिए पूरी फूल गई है, लेकिन अब हम इसे बहुत ही आराम से पलटेंगे और जिससे कि ये फटे ना। तो अब मैं इसे पलट रही हूँ तो ये देखिए इतनी अच्छी क्रिस्पी हुई है और सुनहरा रंग आ गया है। तो दोनों तरफ से आप इसे अच्छी तरह से तल लीजिए, जब तक दोनों तरफ से ये सुनहरी नहीं होगी ये खाने में स्वाद नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप आलू की पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आलू बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए। अगर आप आलू को पीसना नहीं चाहते तो आप बहुत अच्छी तरह से उसे मैश कर सकते हैं, कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखिएगा कोई भी आलू का टुकड़ा इसमें ना रहे, जो भी टुकड़े हों आप उसे निकाल दीजिए। तो अब ये देखिए मेरी सारी पूड़ियाँ कितनी फूली फूली तैयार हो रही हैं। तो आप भी इसे नाश्ते में ज़रूर ट्राई कीजिए, आलू के पराठे की जगह एक बार इसे ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर बताइए। अगली बार फिर हम मिलेंगे एक नई रेसिपी एक नई ट्रिक के साथ। हैप्पी कुकिंग।